आज हम इस मूवी में देखेंगे कि कौन सी सिचुएशन में बहन को अपने छोटे भाई की गाड़ी दौड़ानी पड़ी। इस मूवी का नाम है सेंसेशनल जेनिन। तो दोस्तों, ये कहानी है जेनिन की, जो मूवी की शुरुआत में हमें अपने बारे में बता रही होती है कि उसने आदमियों को खुश करने का तरीका ढूंढने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है और आज उसका नाम हर मर्द की जुबान पर है। वो अपना इंट्रोडक्शन एक आदमी के घोड़े पर सवारी करते हुए दे रही थी, तो वो आदमी उसे जल्दी से मंजिल तक पहुंचाने को बोलता है। तो जेनी उसके घोड़े से उतरकर हाथगाड़ी का इस्तेमाल करके उसे उसके मंजिल तक पहुंचा देती है। जेनी अपना सीक्रेट में बताती है कि मर्दों को पूरा सेटिस्फेक्शन कभी मत दो, क्योंकि शायद उनका मन कुछ दिनों में भर जाए, इसलिए उन्हें थोड़ा थोड़ा सेटिस्फाई करो और उन्हें ऐसा मजबूर करो कि उन्हें तुम्हारी लत लग जाए। अब वो हमें अपने स्ट्रगल के बारे में बताती है। जब जेनी एक टीनेजर थी, तब उसे अपनी मॉम और स्टेप फादर को खपाखप करते देखना बहुत पसंद था और वो एक दिन उनकी आवाजें सुनकर उनके रूम के पास जाती है, तो वो अपने स्टेप ब्रदर को देखती है जो कि उनके पेरेंट्स को देख के अपनी हाथ गाड़ी चला रहा था। अब जेनी को देखकर वो अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगाता है। अब दोनों साथ में अपने पेरेंट्स को देखने लगते हैं। जेनी उन्हें देखते हुए अपने स्टेप ब्रदर के छोटे चेतन को पकड़ के उसे दौड़ाने लगती है, तो उसका स्टेप ब्रदर भी उसकी गुफा की गहराई को अपनी उंगलियों से मापने लगता है। जब उनके पेरेंट्स का काम खत्म होता है तो वो दोनों घपाघप करने के बारे में सोचते हैं। अब जेनी की गुफा में पहली बार उसका शेर जाता है। शेर की दहाड़ से जेनी फुल मजे कर रही थी। अब जेनी की गुफा को शेर की आदत लग चुकी थी। वो बताती है कि कुछ दिनों बाद उनके घर में मिस्टर बेकर शिफ्ट होते हैं और उसी दिन वो अपने स्टेप फादर को मिसेस पे बॉडी के साथ कपड़े सुखाते टाइप टेरेस पर घपाघप करते देखती है। अब नीचे आने पर उसकी मॉम भी मिस्टर बेकर के साथ घपाघप करते हुए दिखाई देती है और मिस्टर बेकर का स्टेमिना इतना अच्छा था कि वो जेनिन की मॉम को लगातार दो बार अपने घोड़े की सवारी करवाते हैं। दोनों के मंजिल तक पहुंचने के बाद जेनी उनके पास आती है और वो भी मिस्टर बेकर को सीड्यूस करती है, जिसे देखकर उसकी मॉम उसे डांट देती है। अब जेनी शेर की सवारी करने को बहुत ही उत्तेजित हो चुकी थी। एक दिन वो मिस्टर हेल्सन को मिसेस पेबॉडी से बात करते हुए देखकर जेलस फील करती है, क्योंकि वो मिस्टर हेल्सन को पसंद किया करती थी। जेनी दोनों को बेसमेंट में जाता हुआ देखकर वो भी बेसमेंट जाती है और उन्हें घपाघप करते हुए देख लेती है, और जब वो उनके सामने आती है तो दोनों जेनिन को देख के घबरा जाते हैं। मिस्टर हेडलसन जेनिन को कुछ पैसे देकर जो उसने देखा है वो किसी को न बताने को बोलते हैं, पर जेनिन को तो कुछ और चाहिए था, इसलिए वो मिस्टर हेडलसन के घोड़े को पकड़कर सफर पर जाने के लिए तैयार हो जाती है और उन्हें साथ देखकर मिसेस पेबॉडी वहां से भाग जाती है। पहले जेनिन मिस्टर हेडलसन की सवारी करती है, फिर मिस्टर हेडलसन उसकी सवारी करते हैं। जेनिन उन्हें बताती है कि उसने सबसे पहले सवारी अपने भाई के घोड़े की थी। दोनों अपनी मंजिल तक पहुंचकर काम खत्म करते हैं। जेनी हमें बताती है कि वो कुछ महीनों के लिए मिस्टर हेडलसन के घोड़े की सवारी करती रही और इस बीच उसके संतरे भी बड़े होने लगे थे। एक दिन उसकी मॉम को निमोनिया हो जाता है, जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। अब घर का काम और मिस्टर बेकर के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह का इंतजाम जेनी को ही करना पड़ रहा था। उसके स्टेप ब्रदर ने मिलिट्री ज्वाइन कर ली थी और उसके स्टेप फादर की नज़र भी उस पर थी। एक दिन जब जेनी मिस्टर बेकर के लिए ब्रेकफास्ट लेकर उनके कमरे में जाती है तो वो सोए हुए थे। जेनी उन्हें उठाने की कोशिश करती है तो वो जेनी को उसकी मोम समझ के उसका हाथ में अपने छोटे चेतन रखवा देते हैं। अब जेनी तो उनके घोड़े की सवारी करना ही चाहती थी, इसलिए वो उनके घोड़े को अपने हाथों से सफर के लिए तैयार करने लगती है। मिस्टर बेकर भी पूरी तरह नींद से उठकर जेनी के गुफा में जबरदस्त खुदाई करते हैं। अब एक बार मंजिल तक पहुंचने के बाद जेनी उन्हें दोबारा सफर पर जाने की जिद करती है और मिस्टर बेकर को ये बोल के भड़काती है कि मिस्टर हेडलसन उसे 5 बार लगातार सफर पर ले गए थे, तो मिस्टर बेकर भी हेडलसन के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए मान जाते हैं और उसे घोड़े पर बैठाकर दोबारा सफर पर ले जाते हैं। और जब मिस्टर बेकर हेडलसन का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं तो जेनी खुश होकर बिना कपड़ों के ही मिस्टर बेकर के लिए चाय लेने जाती है। तभी उसका स्टेप फादर उसे बिना कपड़ों के देख लेता है और उसे बताता है कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। हम देख पा रहे थे कि जेनी का स्टेप फादर बहुत ही उदास था। जेनी भी बहुत दिनों से अपने स्टेप फादर को उदास देख रही थी। जेनी हमें बताती है कि उसे बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था कि वो अपनी माँ की मौत के वक्त घपाघप कर रही थी और उसे उसके स्टेप फादर ने बिना कपड़ों के ही देख लिया था, इसलिए उसने मिस्टर बेकर और हेडलसन से मिलना छोड़कर अपनी गुफा का ख्याल अपनी उंगली से ही रखना शुरू कर दिया था। रोज रात में सोने से पहले जेनी अपनी गुफा में पानी निकाल ही लेती थी। अब एक रात उसकी आवाज़ सुनकर उसके स्टेप फादर गेट के पास आकर उसके कारनामों को देखते हैं। जेनी को भी पता चल जाता है कि उसके गेट के बाहर कोई है, इसलिए वो खुद को ब्लैंकेट से कवर करके सोने का नाटक करने लगती है। उसके स्टेप फादर गेट खोलकर अंदर आते हैं तो उन्हें जेनी सोए हुए मिलती है और वो अपने कमरे में जाकर अपनी हाथगाड़ी चालू कर देते हैं और जेनी भी बिना कपड़ों के उनके गेट के पास आकर उन्हें हाथगाड़ी चलाते हुए देख रही थी। अगले दिन उसके स्टेप फादर उसे 3 बजे चर्च के एक प्रीस्ट के पास उसे अपने गुनाहों के कन्फेशन के लिए भेजते हैं। प्रीस्ट जेनी से उसके गुनाहों के बारे में पूछता है तो जेनी उन्हें बताने से मना करती है क्योंकि वो उन्हें अपनी सेक्स लाइफ के बारे में बता नहीं सकती। ये जानने के बाद प्रीस्ट उसके संतरों को दबाने लगता है
और बोलता है अगर तुम्हें अपने गुनाहों की माफी चाहिए तो उसे उनके साथ वो सारे गुनाह फिर से करने होंगे। और प्रिस्ट उसे अपना गोट का तोहफा दिखाता है जो कि बहुत बड़ा था। अब जेनी इतने दिनों से भूखी थी तो वो प्रिस्ट के तोहफे पर टूट पड़ती है। वो प्रिस्ट के साथ सब कुछ करती है जिसे उसने पहले हेटलसन, मिस्टर बेकर और अपने स्टेप ब्रदर के साथ किया था। उसके कन्फेशन के बीच एक और लड़की मैरी अपने कन्फेशन के लिए आ जाती है। अब प्रिस्ट और जेनी को गपागप करते देखकर वो भी उनके बेड पर आकर बैठ जाती है। मतलब उसे भी प्रिस्ट इसी तरह से कन्फेशन देता था। अब जेनी को गॉड का आशीर्वाद देने के बाद प्रिस्ट उसे वहां से भेजकर मैरी को उसके कन्फेशन के लिए कल आने को बोलता है क्योंकि आज प्रिस्ट ने बहुत मेहनत कर ली थी। अब जेनी मैरी के साथ उसके टांगे गाड़ी पर बैठकर अपने घर के लिए निकलती है। रास्ते में मैरी जेनी को अपने गुनाहों के बारे में बताती है कि उसने एक दिन में 11 अलग अलग मर्दों के साथ घपाघप किया था और उसमें टांगे वाला भी था जो अभी उनके टांगों को चला रहा है और उसे सबसे ज्यादा मजा इस टांगे वाले के साथ ही आया था। मैरी उसके टांगे वाले को अपना हथियार जेनी को दिखाने को बोलती है तो टांगे वाला बोलता है कि अगर मैंने दिखाया तो आपको हथियार चलाना भी होगा। तो एक सुनसान जगह देख के टांगे को रोककर टांगे वाला मैरी की गुफा में अपना हथियार चलाता है जिसे देख जेनी भी बहुत खुश हो रही थी। मैरी बोलती है कि उसे घपाघप देखना और करना दोनों पसंद है। वो जेनी को भी टांगे वाले के हथियार के साथ खेलने को बोलती है पर जेनी मना कर देती है क्योंकि उसे आज प्रिस्ट ने बहुत अच्छे तरह से आशीर्वाद दिया था। अब दोनों वहां से मैरी के घर जाते हैं जहां वो दोनों दो मर्दों के साथ काफी देर तक उनके साथ घपाघप करती है। अगले दिन जेनी अपने स्टेप फादर के साथ घर आती है तो उन्हें वहां उसके स्टेप फादर का दोस्त रॉबर्ट मिलता है जो मिस्टर बेकर की जगह रहने आया था और उसकी भी नजर जेनी पर पड़ती है। वो जेनी के संतरों को भी छूता है पर जेनी उसे दूर हटा देती है। उसी रात उसका स्टेप फादर उसके रूम में आता है जहां उसे पता चलता है कि जेनी बिना कपड़ों के सोई हुई है। इसका पता उसे तब चलता है जब वो जेनी का ब्लैंकेट हटाता है। अब उसका स्टेपफादर उसके कन्फेशन के बारे में पूछकर उसके संतरों को छूने लगता है। स्टेपफादर उसे पूछता है कि क्या इसी तरह वो प्रिस्ट तुम्हारे कन्फेशन को सुनता है तो जेनी भी हाँ बोलती है। अब स्टेपफादर गुस्से में जेनी की गुफा में उंगली डालकर उसे उत्तेजित करने लगता है जिसे जेनी दूर करके ऐसा करने से मना कर देती है और दोनों सो जाते हैं। बीच रात में जेनी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसका स्टेपफादर उसके संतरों को चूस रहा है तो उन्हें मना करने की जगह वो सोने का नाटक करती है। उसका स्टेपफादर भी उसकी गुफा से खेलने के बाद वापस सो जाता है। अब अगले दिन जब जेनी के स्टेपफादर काम पर चले जाते हैं तो रॉबर्ट जेनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है पर जेनी उसे झापड़ लगाकर उसे मना कर देती है। अब रात में वापस जेनी अपने ब्लैंकेट में बिना कपड़ों के अपने स्टेपफादर का इंतजार कर रही थी और होता भी ऐसा ही है। उसका स्टेपफादर आते ही वो जेनी की गुफा में अपने शेर को घुसा देता है। जेनी इसे एंजॉय कर रही थी इसलिए वो शेर की सवारी करके अपने स्टेपफादर को उनके मंजिल तक पहुंचा देती है। अब अगले दिन ब्रेकफास्ट पर उसका स्टेपफादर उसे रात में रेडी रहने को बोलता है क्योंकि वो उसके लिए गिफ्ट लाने वाला था। रात में उसका स्टेपफादर उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट ब्लैक नाइटी लाता है और उसे पहनने के बाद जेनी हर रोज ब्रेकफास्ट और डिनर में अपने स्टेपफादर का डेजर्ट खाने लगती है। एक दिन उन्हें घपाघप करते हुए रॉबर्ट देख लेता है जिसे शर्माकर उसका स्टेपफादर वहां से चला जाता है। अब रॉबर्ट जेनी को ब्लैकमेल करता है कि वो उसके स्टेपफादर की रिपोर्ट पुलिस से करेगा और चाइल्ड एब्यूज के केस में उसके फादर को जेल जाना पड़ेगा। तो जेनी उसे ऐसा करने से रोकती है और आपको भी पता होगा कि रॉबर्ट अब जेनी के साथ क्या डील करने वाला है। अब रॉबर्ट अपनी सारी इच्छा जेनी को अपने घोड़े की सवारी करवा के पूरा करता है। अब अगले दिन उसके स्टेपफादर ने जॉब खो दी थी इसलिए वो शराब के नशे में घर के बाहर घूम रहे थे और उसे पकड़कर जेनी घर के अंदर लाती है। उसी रात रॉबर्ट एक प्रोस्टिट्यूट को जेनी और उसके फादर के कमरे में लाता है और वो चारों एक दूसरे के साथ घपाघप करते हैं। स्टेपफादर भी मजबूर था क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो रॉबर्ट पुलिस में उसकी रिपोर्ट कर देगा। नेक्स्ट मॉर्निंग रॉबर्ट जेनी को एक प्रोस्टिट्यूट बनाने की बात उसके स्टेपफादर से करता है। वो कहता है कि अब तुम कुछ कमा नहीं रहे तो इसे काम पर लगा दो। पहले तो स्टेपफादर इसके लिए मना करता है पर रॉबर्ट उन्हें समझाता है कि कैसे हाई लेवल की प्रोस्टिट्यूट पैसों वाले लोगों के साथ बस रोल प्ले करके बहुत सारे पैसे कमाते हैं। इसका एग्जाम्पल उन्हें वो अपने साथ लाई गई प्रोस्टिट्यूट से करवा कर दिखाता है। जेनी भी इस काम को करने के लिए मान जाती है। अगले दिन प्रोस्टिट्यूट के साथ जेनी भी रोड पर घूम रही थी तो वो प्रोस्टिट्यूट एक आदमी के साथ चली जाती है और जेनी भी एक अमीर आदमी के साथ उसके टांगे पर बैठकर उसके मेंशन पर आती है जहां उस अमीर आदमी का नौकर उसे गोद में उठाकर रूम में लाता है और उसके साथ घपाघप करने लगता है। तभी वो अमीर आदमी आकर उस नौकर को मारकर वहां से भगा देता है। अब जब वो अमीर आदमी उसके साथ घपाघप करने की कोशिश करता है तो जेनी उसे पहले पैसे मांगती है और फिर अपने हाथों से सुख प्रदान करती है। एंड में जेनी बताती है कि यही थी उसकी लाइफ की जर्नी और आज वो इस करियर से फुल्ली सेटिस्फाइड है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।